अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमेर अली और आप देख रहे हैं वर्क के डिफेक चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीलंका की वजह से जेशा मजीद एक और साल एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही करेंगे, पाकिस्तान की बारी कब आएगी? दोस्तों हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में क्रिकेट की नई अपडेट। दोस्तों जेशा मजीद एक साल एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगले साल एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप मिलेगी। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही रोटेशन बुनियाद पर सब मेंबर ममालिक को मिलती है। बांग्लादेश के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बारी थी। तहम गुज़िश्ता बरस लंकन बोर्ड की रजामंदी से जेशा की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई। दोस्तों अब एक बार फिर सालाना जनरल काउंसिल इजलास में श्रीलंका ने दूसरे साल भी अपनी बारी की कुर्बानी देते हुए जेशा को ही एक साल मजीद उदे दिए जाने की दरख्वास्त की थी, जिसे मेंबर मालिक ने कबूल कर लिया। इसी तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जेशा 2024 में भी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे, जबकि 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह उनकी जगह ये उहदा संभालेगा। दोस्तों इजलास में एशिया कप एजेंडे का एहसास नहीं था, इसलिए इसकी मेजबानी पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कायम मकाम चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर के साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने की। दोस्तों अगर आप क्रिकेट के मुताबिक हर आने वाली नई अपडेट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।